हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज है दिन शुक्रवार का, आज है संकटी गणेश चतुर्थी और हमारे में इसको माही चौथ भी बोलते हैं। जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही हम माही चौथ मनाते हैं। माघ के महीने में आता है ये। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और सबसे पहले आप सभी को गणेश संकटी चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएँ। गाजर के हलवे को तो बहुत जन ऐसे कद्दूकस करके करते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि किसने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे काट के ग्राइंडिंग कर लेंगे तो समय की भी बचत होती है, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता, सेम ही टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी 4 बड़े चम्मच घी के, देसी घी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गाजर को ग्राइंडिंग कर लिया है, तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो घी हो गया है गर्म, अब इसमें यह गाजर जो कद्दू ग्राइंडिंग कर ली थी वो डाल लूँगी इसमें और बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी इस गाजर को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फापर। आप लोग के यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे जरूर जरूर कमेंट में बताइएगा, पर मुझे पता नहीं है इसको और क्या बोलते हैं। सुना हुआ था कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, बट इसको क्या कहते हैं, सिंघाड़ा या कुट्टू, मुझे नहीं मालूम है सीरियसली। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसको फापर के नाम से ही जानती हूँ। एक बार और देख लीजिए आप लोग गौर से, क्लियर आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसका मैं बनाऊंगी आटा, इसको ग्राइंडिंग करके इसका आटा बना लूंगी और फिर इसकी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए आगे, देखते रहिए आगे। मैंने फापर का पाउडर बना लिया है। अब ये उबले आलू जो मैंने पहले से ही छील के रख लिए थे, तो इसमें करीब 1 किलो के आसपास मैं आलू डाल लूँगी। अब इसमें हरी मिर्च जो कट के रखी हुई है वो डाल लूँगी, और सौंफ। इसमें सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो ये तो डालना ही है। नमक स्वाद के अनुसार, और अगर आपके पास गोल मिर्च का पाउडर है तो वो भी डालिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। बाकी जो आलू है वो सब्जी के लिए रखी हूँ मैं, उसकी सब्जी बनाऊँगी। पापर के पकौड़े के संग अलग तरीके की सब्जी बनती है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। आगे बने रहिए आप लोग। और आटे को ऐसे पानी डालते हुए पेस्ट बना लेंगे पकौड़ियों जितना, उतना पतला पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना होता है इसका पेस्ट को। आटा जो रोटी का बनाते हैं उससे थोड़ा और पतला, तो आप लोग देख लीजिए, ये देखिए इस टाइप का होना चाहिए। और इधर मेरा गाजर अच्छे से भूंज गया है, तो इसमें मैं दूध डाल लूँगी मलाई के साथ। देख के कितना लगता है उस हिसाब से देख के डालेंगे। मैं तो यहाँ अंदाजे से ही डाल रही हूँ, करीब आधा किलो के करीब डाला मैंने, क्योंकि ये 1 किलो दूध है पूरा। तो अच्छे से मिला लेंगे और इसको पकने देंगे जब तक ये दूध अच्छे से पूरा सीज के, मतलब सूख ना जाए तब तक। तो यहाँ पे मैंने गाजर के हलवे को इधर शिफ्ट कर दिया है और एक तरफ मैंने चढ़ा लिया पकौड़ियों के लिए कढ़ाई, जिसे तेल डाल दिया, गरम हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा डाल के देख लेती हूँ तेल गरम हुआ कि नहीं। अब मैं पकौड़ियाँ डाल लूँगी और लाल लाल होने तक अच्छे से पकौड़े को तल के निकाल लूँगी। तरफ पकौड़ियाँ हो रही है और बीच बीच में मैं गाजर के हलवों को भी देखती रहूँगी, ध्यान देती रहूँगी इस पर, ताकि ये नीचे लग ना जाए, तो इसको भी बीच बीच में चलाती रहूँगी और एक तरफ पकौड़ी तलती रहूँगी, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। Thank you.
गाजर का हलवा भी हो गया। दूध देखिए पूरी तरीके से सूख गया है, तब इसमें मैं इलायची का पाउडर डालूंगी और चीनी ऐड कर लूंगी। तो फिर थोड़ा देर और इसको फ्राई कर लूंगी, अच्छे से मिला लूंगी चीनी को। तो ये देखिए चीनी मिला ली हूँ और हलवा हो गया है तैयार। तो ऊपर से मैं काजू डालूंगी, मेरे पास और कुछ ड्राई फ्रूट नहीं है तो मैं सिर्फ काजू ही डालूंगी और थोड़ा सा रख लूंगी गार्निशिंग के लिए। तो रेडी है गाजर का हलवा, तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं सब्जी। तो पकौड़ी बनाते टाइम मैंने लास्ट में थोड़ा सा पेस्ट रख लिया था पकौड़ियों का, इससे सब्जी में डालो तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता सब्जी अच्छा रहता है। तो उसी में मैंने थोड़ा पानी डाल लिया है पकौड़े का जो पेस्ट था उसमें। अब इसमें आलू को मैं काटती नहीं हूँ, ऐसे हाथों से थोड़े तोड़ के डाल लेती हूँ। अब इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। छौंकन में इसमें सौंफ के दाने और हरी मिर्च डाल के छौंकन लगा लेंगे। और ये जो पकौड़ियों का जो रखते हैं ना पाउडर, इससे सब्जी बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो अपने देख के अपने अकॉर्डिंग पानी गाढ़ा या पतला जितना भी करना हो उतना उस हिसाब से डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जी हो गया है बॉयल, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका पकौड़ियों के साथ। और लास्ट में नींबू निचोड़ लेंगे खटाई के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट इसका, ये फाफड़ की पकौड़ी और ये सब्जी। तो आप अगर नहीं किए हो कभी भी, नहीं बनाए तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कुट्टू है या सिंघाड़े का आटा है, मुझे नहीं पता तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स खाना तो बन गया है, अब देखते हैं चांद आया है कि नहीं, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो चलिए फिर देखती हूँ चांद आया है कि नहीं। चांद आ गया है तो मैं कर लेती हूँ पूजा पहले। तो बस प्लेट ले ली हूँ और चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलूंगी क्योंकि अभी कोई मेरे पास है नहीं कि वीडियो शूट कर सके। तो बस यहीं से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने, फिर आके आप लोग से मिलती हूँ। फ्रेंड्स पूजा करके आ गई हूँ, अब खाना खाने बैठ गई हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी, दिखाती हूँ आप लोग को प्लेट। देखिए फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग, रेडी है फाफड़ की पकौड़ी, गाजर का हलवा, आलू की सब्जी और ये पेड़ा और ये मूली। ये खाना बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में, और ये तिलकुट्टा बहुत ज़रूरी है खाना, इसलिए खाते हैं। तो दोस्तों व्रत में पहले अग्राशन निकाला जाता है भगवान के लिए, तो पहले मैं अग्राशन निकाल ले रही हूँ भगवान के नाम का, सभी जो भी मेरे थाली में है सभी चीज़ को निकाल लूँगी मैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर एंड थैंक यू।